जी जना, वंस अगेन वेलकम बैक आफ्टर अ ब्रेक। हम सब जानते हैं कि हम डिजिटल दौर में आ चुके हैं। सारा सिलसिला जो है, जितना भी सिस्टम है, वो डिजिटलाइज हो गया है। हमारी यूथ, हमारा जितना भी लोगों का जमघटा होता है, वो उसी दौड़ में दौड़ता है जो एडवांसमेंट्स हो रही होती हैं। जिस तरह से हमारी जो सोसाइटी है, वो जिस तरफ जा रही होती है, हम उसी तरफ जा रहे होते हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उस दौड़ के अंदर हम कुछ फ्लॉस में शामिल हो जाते हैं, कहीं ना कहीं लैग कर रहा होता है। किस तरह से हम परफेक्ट हो सकते हैं इस डिजिटल वर्ल्ड के हवाले से, इस पे आज हम बात करेंगे। इसलिए उसी हवाले से हमने हमारे मेहमान हैं उनको दावत दी है। मैं वेलकम करना चाहूँगी, हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है एक्स एडिशनल DGFIA फाउंडर डिजिटल पाकिस्तान अम्मार जाफरी साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत शुक्रिया आपका। सो सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आप तशरीफ़ लेकर आए। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारा, और जाहिर सी बात है हर इंसान तरक्की करना चाहता है, हर मुल्क तरक्की करना चाहता है, और उस तरक्की की राह में हमें जिस तरह के एफर्ट्स करने पड़ते हैं, जो जो सिस्टम्स लॉन्च करने पड़ते हैं, उनके साथ हमने कैसे चलना है, उसके लिए भी प्लानिंग होती है। मैं सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूँगी कि इस डिजिटल एरा में अगर देखा जाए तो हमारा पाकिस्तान कहाँ स्टैंड करता है? जी, बहुत शुक्रिया तो आपके इन्वाइट करने का। हमें देखना है कि डिजिटलाइजेशन है क्या जी। वो तमाम काम जो हम पहले मैन्युअली करते थे, एग्जैक्टली वो फिर हम पहले कंप्यूटर से करने शुरू हुए, लेकिन वो ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ मैनुअल काम की कंप्यूटर के काम की हद तक। डिजिटल एरिया थोड़ा डिफरेंट है। इसके अंदर वो तमाम काम जो हम कंप्यूटर से पहले कर रहे थे, उन्होंने सब ने मिलकर एक ऐसा इन्वायरमेंट बना दिया है जिसको हम डिजिटल इन्वायरमेंट कह रहे हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें हमें देखना है कि हम कहाँ खड़े हैं इस वक्त। अच्छा, अनलक्कीली हमने उसकी तैयारी प्रॉपर नहीं की थी। इसकी रीज़न ये है कि हज़रत अली का कॉल है कि अपने बच्चों को वो तालीम दो जो फ्यूचर की तालीम है, आज की तालीम मत दो। हमारी यूनिवर्सिटियों ने, हमारे इदारों ने आज से 10 साल पहले बच्चों को ये नहीं पढ़ाया जिसकी आज ज़रूरत है। तो हमें एक प्रॉब्लम तो आई है, लेकिन अब इसका हल भी तलाश करना है। इसका हल ये है कि फौरी तौर के ऊपर पूरी सोसाइटी मिलके, मीडिया मिलके, यूनिवर्सिटीज मिलके, गवर्नमेंट मिलके को ऐसे फास्ट ट्रैक प्रोग्राम शुरू करे जिससे इस कमी को दूर किया जा सके। वो कमी कैसे दूर होगी? वो ये होगी कि जो डिजिटलाइजेशन है वो इस वक्त तालीम में आ चुकी है, सेहत में आ चुकी है, इन्वायरमेंट में आ चुकी है, इवन मीडिया में आ चुकी है। बिल्कुल, बिल्कुल। पहले ज़माने में अखबार छपते थे, फिर वो इलेक्ट्रॉनिक हो गए, अब उसको लोग देखते हैं। अब ये टिकटॉक और जितनी सब चीज़ें आई हैं, सोशल मीडिया आया है, इससे अब तमाम जो ट्रेडिशनल मीडिया की अहमियत कम होती जा रही है और सोशल मीडिया की अहमियत बढ़ती जा रही है। तो इसको भी अडॉप्ट करना है चीज़ों को। तो पाकिस्तान इस वक्त डिजिटलाइजेशन के ऊपर जहाँ खड़ा है, उसके जवाब में ये है कि एक चीज़ है दैट इज़ कॉल्ड SDGs, अच्छा, के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। देखिए, हर चीज़ का एक मेयार होता है। फॉर एग्जांपल, आप जानना चाहते हैं कि इस कमरे में टेम्परेचर कितना है, तो एक आला है जो बता देगा इतना टेम्परेचर है। इस तरह किसी की भी सोसाइटी की डेवलपमेंट को स्टडी करने के लिए दुनिया ने मेयार बना लिए हैं। बिल्कुल। तो ये SDGs क्या है? वो मेयार है कि इससे पता चलता है कि आप तरक्की के मैदान में कहाँ खड़े हैं। इसमें करना अच्छा, वो सारे SDGs हैं, उसमें तालीम भी है, सेहत भी है, ज़राअत भी है, इवन जेंडर बैलेंस भी है, उसमें क्लीन वाटर, ड्रिंकिंग वाटर भी है, उसमें डिसेंट वर्क भी है। वो डिफरेंट SDGs बने हुए हैं, उनके स्टैंडर्ड्स हैं, उसके मेयार हैं। अनलक्कीली अभी हम बहुत पीछे हैं उसके अंदर। यानी अगर दुनिया में 200 से ज़्यादा ममालिक हैं तो हम बहुत नीचे रैंकिंग पे आते हैं। लेकिन एक ख़तरनाक बात और है कि अगर हमने अगले 2 से 3 सालों में तेज़ी के साथ अपनी यूथ को डिजिटलाइजेशन की तरह अडॉप्ट ना किया तो हम और नहीं चले जाएंगे। देखिए, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो हमारी ज़्यादा आबादी है देहातों में रहती है, कि हम शहरों में जो मर्ज़ी कर लें, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, चंद ही लोग होंगे ना उसके अंदर, तो हमें फौरी तौर पे जो ये अमल है डिजिटलाइजेशन का, ये जाना चाहिए अपने ग्रास रूट्स के ऊपर, अपनी जो ज़राअत है उसके अंदर फार्मिंग में इनोवेशन आनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं आपको मिसाल दूँ, अब वो जो एक एकड़ ज़मीन थी उससे बाहर की दुनिया में लोग कम से कम 10 गुना ज़्यादा उससे फ़ायदा उठा रहे हैंगे। हम अभी तक वो ट्रेडिशनल फार्मिंग में लगे हुए हैं, उससे हमारा पानी बहुत ज़्यादा खर्च होता है और हमारी ज़मीन की वो अफादत भी नहीं होती हैगी। तो डिजिटलाइजेशन का सिर्फ मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ चंद शहरों के अंदर चीज़ें ऑटोमेट कर दें या डिजिटलाइज कर दें,
इसका मतलब ये है कि जो हमारे देहाती स्कूल हैं वहाँ भी बच्चों को डिजिटली पढ़ाया जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, पहले ज़माने में जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि तीनों चीज़ें एक थी, यानी माँ बाप, तालीम और रोज़गार एक चीज़ थी। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक लोहार है तो अपने बच्चे को लोहार ही बनाता था, ठीक है। अच्छा, अब एक और फ़र्क आ गया। फ़र्क ये है कि जो बच्चे अपने घर में सीखते हैं वो अपने माँ बाप में सीखते हैं, जब वो स्कूल में जाते हैं तो वो एक डिफरेंट चीज़ होती है। अच्छा, जब स्कूल से फारिग होकर वो आते हैं अपनी मदरसों में, वो कोई और चीज़ होती है कि। तो ये तीन इंस्टीट्यूशन बन गए, फैमिली, स्कूल और उसका रोज़गार। रोज़गार बिल्कुल, इनमें डिस्कनेक्ट बहुत आ गए हैं, क्योंकि माँ बाप बात नहीं कर रहे टीचर्स के साथ, टीचर्स बात नहीं कर रहे जिनको जिन्होंने उनको रोज़गार देना है। तो जब हमारा बच्चा निकलता है यूनिवर्सिटी से या स्कूल से रोज़गार में आने के लिए, तो रोज़गार की रिक्वायरमेंट्स और हो गई हैं और तालीम किस और तरीके से पढ़ाई जा रही है। यानी यूँ समझ लें कि यूनिवर्सिटीज़ को ये पता ही नहीं है कि जहाँ से पढ़ कर ये बच्चा जा रहा है जॉब के अंदर उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो इस वक्त लेटेस्ट मार्केट्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ब्लॉकचेन, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड सॉल्यूशंस, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4.0, ये चीज़ रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी इंडस्ट्रीज की। अच्छा, यूनिवर्सिटियाँ अभी सोच रही हैं कि ये चीज़ें पढ़ाई जाएँ और वहाँ इम्प्लीमेंट भी हो चुकी हैं, इम्प्लीमेंट हो चुकी हैं। तो ये इतना बड़ा खला आ चुका है कि मुझे डर लगता है कि ये खला कहीं हमें किसी खराबी तरफ ना ले जाए। तो सर, आपको ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे इकदाम किए जा रहे हैं प्राइवेट लेवल पर और गवर्नमेंट लेवल पर कि इस खला को कम किया जा सके और हम एक उसी उसके पैरेलल चल सकें जो इस वक्त हमारा सिचुएशन और जो हमारा जो आगे का वक्त है वो हमारे हमसे डिमांड कर रहा है? अच्छा, एफर्ट्स तो हो रही हैं इनकी, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उन एफर्ट्स में रब्त नहीं है कोई। गवर्नमेंट जो कुछ कर रही है वो अपनी मिनिस्ट्रीज में, डिपार्टमेंट्स में अदा कर रही है कि यूनिवर्सिटियों को बिल्कुल नहीं पता उसका। अच्छा, अच्छा, जो यूनिवर्सिटियाँ कर रही हैं उनका गवर्नमेंट को नहीं पता, ये जो दोनों कर रहे हैं इनका एक आम आदमी को नहीं पता। ये रोल मीडिया बड़ा अच्छा अदा कर सकता है, इसीलिए मैं डिजिटल मीडिया की बात करने आपको हाजिर हुआ हूँ। एग्जैक्टली, कि ये जो डिसकनेक्टेड एफर्ट्स हो रही हैं, गवर्नमेंट कुछ कर रही है, यूनिवर्सिटियाँ कुछ कर रही हैं, जो सिविल सोसाइटी है, एनजीओज वो कुछ और कर रहे हैं, ये सब कुछ हो तो रहा है, इससे कोई द्वारा नहीं आएगी और अच्छा हो रहेगा, लेकिन उस मालूमात को एक आम आदमी तक पहुँचाना ये गवर्नमेंट मीडिया का काम है, जिसको मैं आज के प्रोग्राम में डिजिटल मीडिया कहूँगा। सही, तो इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए मैं ज़रूर जानना चाहूँगी, जैसे अगर आप डिजिटल मीडिया के हवाले से बात करें तो डिजिटल मीडिया और डिजिटलाइजेशन, इसका क्या फ़ायदा है और इसको हम यूटिलाइज़ अब कैसे कर सकते हैं? अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे US प्रेसिडेंट है ना, जब एक ट्वीट करते हैं ना कोई भी, तो उसका असर पूरे अमरीका में पड़ता है, पूरी दुनिया में पड़ता है, ठीक है। अब इसका मतलब यह कि पहले क्या था कि एक फॉरेन ऑफिस होता था, वो अपनी पॉलिसी इशू करता था, अब इसे कहते हैं ट्वीट डिप्लोमेसी, कि एक ट्वीट ने पूरे मुल्क की पॉलिसी चेंज कर दी। बिल्कुल, हाँ, हमारे साथ भी होता है, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब एक ट्वीट करते हैं, या हमारे कोई फवाद चौधरी साहब ट्वीट करते हैं, या कोई इंफॉर्मेशन ट्वीट मिनिस्टर ट्वीट करते हैं, तो सारा मुल्क उधर बात करना शुरू कर देता है। इसका मतलब है कि जो हमारे ट्रेडिशनल इदारे थे वो अपना काम कर रहे हैं, करते रहेंगे, लेकिन एक नई चीज़ आ गई जिसको हम डिजिटल डिप्लोमेसी कह सकते हैं या डिजिटल गवर्नेंस कह सकते हैं। अच्छा, अब जो इसके तरीक़ेकार हैं ना, वो ऊपर तो समझ में आते हैं लोगों को, लेकिन जो उसकी रिक्वायरमेंट है कि जो इदारे हैं वो पढ़ाएं लोगों को। आपको इल्म होगा ये कि जो डिजिटलाइजेशन है वो एक अमल का नाम है। बिल्कुल, पहले वही काम हम मैन्युअली करते थे, फिर आप कंप्यूटर से करने शुरू हुए, फिर अब आप उसको ऑटोमेट करके आपस में रब्त कायम कर रहे हैं। सही, लेकिन इस अमल से एक आम आदमी को क्या फ़ायदा है अगर हमारी तालीम डिजिटलाइज नहीं है, अगर हमारी सेहत का निज़ाम डिजिटलाइज नहीं है, अगर हमारी जो रोज़ी कमाने का तरीक़ाकार है वो डिजिटलाइज नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, COVID-19 की वजह से आपके जो ट्रेडिशनल स्कूल थे वो बंद हो गए। राइट, बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल ऑफिस बंद हो गए आपके। आप यकीन करें कि बाहर की दुनिया में लोगों ने तेज़ी से काम करना शुरू कर दिया है। क्यों? अब घर से दफ्तर जाना,
दफ्तर से वापस आने का बाद बच जाता है, आप आराम से अपने कमरे के अंदर बैठ के अपना काम कर सकते हैं। अच्छा, इसमें बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस शो की पाकिस्तान ने एक आम दुनिया के मुकाबले में, कि हमने बड़ी जल्दी अडॉप्ट किया अपने आप को, लेकिन अडॉप्ट तो कर लिया, ट्रेडिशनल काम पे तो आ गए, लेकिन अब बाहर की दुनिया नेक्स्ट स्टेज पे जा रही है कि वो उसकी तरक्की के हम लोग को तेज कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्ची के लिए बड़ा मुश्किल है कि वो घर से बाहर जाके नौकरी करे, लेकिन वही बच्ची को अगर आप ट्रेंड कर दें अंग्रेजी बोलने के लिए या किसी भी चीज़ पे, तो शी कैन परफॉर्म वेरी वेल एज वर्चुअल असिस्टेंट, कि वो किसी भी अमेरिका कनाडा में किसी कोरे की वर्चुअल असिस्टेंट तौर पर काम कर सकती है। हमें अपने बच्चियों और बच्चियों को जो जॉब मार्केट में नहीं जा सके अनलक के लिए, उनको जॉब नहीं मिले, बजाय इसके वो परेशान हो या अपने वालदैन के लिए मसाइल पैदा करें, हमें उनको वर्चुअल जॉब्स के लिए ट्रेन करना चाहिए। अच्छा, इसके लिए अब ज़रूरी नहीं है कि आप कहीं जाके इंस्टीट्यूशन में ट्रेनिंग लें, आपके पास यूट्यूब के ऊपर या इतनी जगहों पे ऐसे कोर्सेज मौजूद हैं जो इंटरेस्टिंग बात ये फ्री हो रहे हैं, वो फ्री हो रहेंगे, यानी यूडेमी, कोर्सरा, इन तमाम चीज़ों के ऊपर ये चीज़ें मौजूद हैं। बिल्कुल, लेकिन बच्चों को ये समझाने के लिए आपको कुछ डिजिटल टीचर्स चाहिए जो इस तरह के प्रोग्राम्स के अंदर ट्रेनिंग भी तो जरूरी है, गाइडेंस जरूरी है, गाइडेंस जरूरी है, बेसिक्स तो पता हो कि हाँ जी इसकी बेसिक्स क्या होनी चाहिए। ये लाज आपने बोला ना, गाइडेंस ये बहुत बात है। देखिए, इस वक्त इतना कंटेंट अवेलेबल है इंटरनेट के ऊपर कि दैट इज अवे फ्रॉम ए क्लिक, बस आप एक क्लिक करें तो चीज मिल जाती है, लेकिन उस क्लिक तक पहुंचने के लिए आपको गाइडेंस चाहिए। हमें वो बीच के लीडर्स चाहिए जिनको मैं डिजिटल लीडर्स कहता हूँ, कि वो लोगों तक वो तालीम पहुँचाएं। मैं आपको एक अच्छी मिसाल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, कूड़ा करके हर तरफ फैला हुआ है, कराची में, लाहौर में, हम तंग आए हुए हैं उससे, ठीक है, और नई नई बीमारियाँ फैल रही हैं, मसाइल फैल रहे हैं। आप यकीन जाने पूरी दुनिया कहती है कि ट्रैश इज़ ए गोल्ड, गोल्ड सोना है ये ना। अच्छा, अब ट्रैश, वो एक कार्ल मार्क्स ने कहा था कि यू हैव नथिंग टू लूज एक्सेप्ट योर चेन्स, बट द एंटायर वर्ल्ड इज योर विक्ट्री। हमें कुछ नहीं खोना। मुझे बताएं, कूड़े के अंदर अगर हमारे वो लोग काम शुरू कर दें जो मतलब ग्रेजुएट्स हैं, कुछ नहीं कर पा रहे, मैं उनको एक अच्छा आइडिया देना चाहूँगा आपके प्रोग्राम के थ्रू, और यही डिजिटलाइजेशन है। वो सिर्फ और सिर्फ अपने इलाके में एक सिस्टम कायम कर लें जिसके ज़रिए लोग आकर एक जगह कूड़ा डाल दें, उसके स्टैंडर्ड मौजूद हैं, दैट इज़ कॉल्ड सेग्रीगेशन ऑफ ट्रैश, के एक चीज़ में शीशा जाए, एक में जो है ये कागज़ जाए, एक में ये लोहा वगैरह जाए, सेग्रीगेशन हो गई। उसके बाद वो जो सेग्रीगेटेड ट्रैश है वो कहीं पहुंच जाता है, जिसे प्रोसेसिंग कहते हैं। उससे आप यकीन करें, ख़वातीन के कपड़ों से लेकर प्लास्टिक से लेकर ऐसी ये जो आपके प्रसिद्ध होते हैं, इससे लेकर ऐसी चीज़ें बन रही हैं कि इमेजिन नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल, मेरा इदारा जिसको मैं डिजिटल पाकिस्तान कहता हूँ, ये हम फ्री कोर्सेज कराते हैं, इसको हम कहते हैं वेस्ट प्लस। अच्छा, कि आप वेस्ट को प्लस में कन्वर्ट कर रहे हैं। अच्छा, मतलब रिसाइकलिंग हो रही है सारी चीजों की और यूटिलाइज हो रही है। ये क्या है, SDG 13, जिसको आप कहते हैं क्लाइमेट चेंज। आप खुद सोचिए कि हमारे मुल्क में, पूरी दुनिया में क्लाइमेट चेंज हो रहा है। बिल्कुल, उसको रोकने का वाहिद तरीका ये है कि आप दरख्त उगाएं। सही, क्योंकि उससे वो प्रोसेस जो है वो कार्बन का प्रोसेस जो है वो बेहतर हो जाता है। आज चूंकि प्रोग्राम का फोकस वो नहीं है, वरना उस पर भी कभी आपसे बात करेंगे, कि जो डिजिटलाइजेशन है ये आपके तरक्की के अमल को बहुत तेज़ कर सकती है। अगर आप इसके अंदर वो तमाम लोग जो कुछ कुछ कर रहे हैं उनको डिजिटली अपनी वो चीज़ें बतानी शुरू कर दें। फॉर एग्जाम्पल, अब कई चीज़ें आ गई, जैसे जूम है, स्टीम यार्ड है, या ये गूगल है, ये तमाम आप लोग घरों से बैठे काम कर रहे हैं। पूरी दुनिया के अंदर एक एक्सपर्ट बोलता है, उसको लाखों लोग सुन रहे होते हैं। वो ज़माने गए जब आपको तालीम के लिए किसी खास इदारे में जाना पड़ता था, या एक उस्ताद को सुनने के लिए आपको सफ़र करके किसी क्लासरूम में पहुँचना पड़ता था। आज वही उस्ताद अपने घर में अपनी मेज़ कुर्सी पर बैठकर इंटरनेट के जरिए अपनी बात लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोगों तक पहुंचा दे, इसी को डिजिटलाइजेशन कहते हैं। सही। अच्छा सर, हम सब जानते हैं सीपैक के हवाले से, तो ज़रा मुझे ये भी बताइएगा कि सीपैक की वजह से जो हमारी डिजिटल मीडिया है उसमें किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिल सकेंगी और हम किस तरह से उन्हें अवेल कर सकते। भाई ये बहुत ही डेंजरस सवाल किया आप। अच्छा, मैं बताता हूँ इसकी रीज़न क्या है। जो सीपैक है ना,
चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जी, ये सड़क का नाम नहीं आएगा, ये एक ऐसी तब्दीली का नाम है कि अगर इसको हमारी कौम समझ जाए तो हमारे पिछले गुनाह माफ हो जाएंगे और अगली तरक्की भी अमल शुरू हो जाएगा। सही। अच्छा, ये क्या चीज है? चाइना से एक सड़क आ रही है जो खजनाब से एंटर हो रही है पाकिस्तान के। बिल्कुल ठीक है। खजनाब से लेकर और पिंडी इस्लामाबाद तक उसका सफर है 802 किलोमीटर, जिसमें से 556 जो है वो गिलगित बल्तिस्तान से गुजरता है, फिर 200 कुछ जो है वो केपी से गुजरता है और कुछ थोड़ा सा ये पंजाब से गुजर के यहाँ तक पहुँचता है। यहाँ से ये रोड जा रही है गवादर तक और गवादर से आगे ये सी के जरिए केबल्स के जरिए पूरी दुनिया तक जा रही है। अच्छा, हम इसका बड़ा अहम जुज हैं, जो इसके ऊपर प्रोजेक्ट है दैट इज कॉल्ड BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। अच्छा। इससे पहले से कहते थे वन बेल्ट वन रोड। अच्छा, अच्छा। अब उसका नया नाम है BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। आप यकीन करें इसमें 70 ममालिक शामिल हैं और ये 70 ममालिक के लिए ये रोड है, ये एक पूरा एक बिजनेस का जरिया बन रही है। अच्छा, इस रोड के साथ साथ एक बड़ी स्ट्रांग फाइबर ऑप्टिक जा रही है जिसके ऊपर ये इंटरनेट सफर कर रहेगा। राइट। और वो दुनिया का फास्टेस्ट इंटरनेट है। 5G तो उससे हमने बचाया, वो तो 6G 7G की बात कर रहे हैं जी। अच्छा, इसका मतलब है कि आज आधे घंटे की वीडियो देखने के लिए आपको क्लिक अगर आप करें तो वीडियो डाउनलोड होती है फॉर एग्जाम्पल 12 मिनट के अंदर। राइट। मिसाल तौर पर तो 5G के आने से वो डाउनलोड हो जाएगी 1.5-2 मिनट के अंदर। एग्जैक्टली। और 6G के आते ही वो होगी 10 सेकंड के अंदर। इसका मतलब है कि जूजू अच्छी बैंडविड्थ मिलेगी। अच्छा, अब हो ये रहा है कि इस पूरी रोड के साथ साथ सर्विस सेंटर्स बन रहेंगे। राइट। अब ये इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के लिए कि अगर इस रोड के साथ साथ दोनों तरफ हमारी जो आबादी रहती है वो इतने अमीर लोग तो है नहीं, स्कूलों के मसाइल हैं, तालीम के सेहत के मसाइल हैं, वहाँ पर हम यूनिवर्सिटियाँ, तालीमी इदारे, अस्पताल वो भी से बनाना शुरू कर दें तो क्या होगा कि वो जो हमारी पीछे की आबादी है 300-400 मील की, वो भी वहाँ के रोजगार ले सकती है। राइट। और इस जो रोड है इसके ऊपर जो इंटरनेशनल ट्रैफिक चलेगी उनको अपने का वो लोग मिल सकते हैं जिससे वो काम लेंगे। देखिए, अगर हमने ये काम ना किया तो यहाँ पर फिर गैर मुल्की आके रोजगार करेंगे, फिर हमें मसले पैदा होंगे जो दुनिया में हुए होंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि सी पैक के आने से हमें एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल गई है और इस अपॉर्चुनिटी को हासिल करने के लिए हमारे मीडिया को, हमारे तालीमी इदारों को, सबको काम करना चाहिए। आप, मैं फिर रिपीट करूँगा अपनी बात कि जो आज के हमारे सॉल्यूशन है ना, ये सी पैक के आने से प्रोडक्ट बन जाएंगी। अच्छा। और ये अमल 2 साल में पूरा हो जाएगा, बता दूं आपको। अच्छा। ये राइट टाइम पे प्रोग्राम है आपका। मैं अपने आप फिक्रा कह के जाऊंगा कि जो आज की है ना हमारे जो सॉल्यूशंस हैं हमारे, ये बन जाएंगी प्रोडक्ट्स और नए सॉल्यूशंस आ जाएंगे। ओके। जो कि इंटरनेट बेस्ड होंगे। बिल्कुल। और वो इतने फास्ट होंगे और इतने एक्यूरेट होंगे, जो ब्लॉकचेन एनेबल्ड होंगे या जो इसकी बुनियाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगी, या उसे कहते हैं इंडस्ट्रियल IoTs, या उसको कहते हैं कि जो आपके जितने ना जो क्लाउड सर्वर्स हैं सारे, ये उस पर चले जाएंगे। मैं टेक्नोलॉजी से ज़्यादा बात नहीं करूँगा वरना पे लोग बोरे जाते हैं, लेकिन ये चीज़ें दुनिया में आ चुकी हैं, आ चुकी हैं। हमारे पास इनका सिर्फ मुतारिफ होना आएगा। बिल्कुल। लेकिन जो आज का हमारा तालीमी निज़ाम है, ये इतना तेज चेंज हो जाएगा कि जो आपके वर्ल्ड स्कूल है ना, जो लोग बना रहे हैं स्कूल बड़े बड़े, यूनिवर्सिटियाँ ख़त्म हो जाएंगी, ये तमाम अनवर्ल्ड बन जाएंगे। इसके लिए आपको बिल्डिंगों की जरूरत नहीं रहेगी फिर ना, तो इसकी हमें अपने कौम को तैयारी करनी चाहिए। सही, सही। अच्छा सर, एक और बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल, अगर जाहिर सी बात है हम यूथ के हवाले से अगर बात करें तो इस डिजिटल मीडिया को एज अ प्रोफेशन अगर बच्चे अपनाते हैं तो वो क्या तरीक़ेकार होगा और क्या इसको हम अपना सकते हैं एज अ प्रोफेशन? जी, बहुत अच्छे से अपना सकते हैं। मैं जो पहले ही बात की रिपीट करूँगा कि आज से 100 साल पहले या 50 साल पहले बच्चे को पैदा करने वाले लोग, जो वालदैन थे उसके, उसकी परवरिश करने वाले लोग, उसको तालीम और तरबियत देने वाले लोग और उसको रोज़गार देने वाले लोग एक ही होते थे। दुकान खोल ली बाप ने, बच्चा बड़ा हुआ वहीं बिठा लिया उसको, फैमिली बिजनेस ठीक है। अब ये तीनों चीज़ें अलग हो गई हैं कि हाँ। वालदैन
पैदा करने वाले लोग और हैं बच्चे के, जो स्कूल है तालीम देने वाला या यूनिवर्सिटी वो और है, और रोजगार देने वाला और है। बिल्कुल। अच्छा, पूरी दुनिया ने इसके तरीका अडॉप्ट ये किए कि जिसे कहते हैं ना कि चाइल्ड स्कूल रिलेशनशिप, पेरेंट स्कूल रिलेशनशिप, वो कायम कर दिए। बाहर के मुल्कों में जब तक टीचर वालदैन से बात ना करे डेली बेसिस के ऊपर, अच्छा, वो चलता ही नहीं आएगा। हमारे यहाँ जब तक अम्मा गुस्सा खा के स्कूल ना जाए कि ये बच्चा तो वो बात ही नहीं बढ़ती। ये अब्बा कह दिया आज मैं छुट्टी के स्कूल जाऊंगा। और नॉर्मली टीचर्स भी पेरेंट्स को अक्सर बुला रहे होते हैं बच्चों की एकेडमिक कंडीशन बता रहे होते हैं, बच्चा आज सुस्त क्यों है, बच्चा आज कुछ और सोच रहा है। बच्चा देखिए, अभी कल परसों कानून आया कि जी बच्चे को मारना जो है वो जुर्म होगा। हाँ। मैं मान लेता हूँ, असेंबली ने पास कर दिया है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन बच्चे को अगर आप मार तो नहीं रहे अपना, लेकिन बच्चे के जहनी हालत को सीधा रखना भी तो आपकी जिम्मेदारी है ना। क्योंकि बच्चा ट्रेंड नहीं होता नई चीज़ सीखने के लिए, ये वालदैन का काम होता है या उस असतदा का काम होता है कि उसको नई चीज़ सिखाएं। सिखाने के लिए बच्चे को कोई इंटरेस्ट देना पड़ता है। ये बाहर की दुनिया में क्यों गेम बेस्ड एजुकेशन आ गई, जिसको आप स्टेम या स्टीम कहते हैं, साइंस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और टेक्नोलॉजी, वो क्यों आ गई कि बच्चा किताबों से बोर हो जाता है बाज़ दफ़ा। अब उस्ताद मारता है उसको, तो विच इज़ रॉन्ग वे। बच्चों को आप खेल खेल में सिखाएं। पूरी दुनिया में, बल्कि जापान में ख़ास तौर पर, तकरीबन मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, 8 या 10 साल की उम्र तक आप बच्चों को किताब नहीं पढ़ाते। हाँ। जनाब जापान के अंदर उसे कहते हैं खिलौनों से खेल के सीखो। ये जो स्टेम एजुकेशन है क्यों आई थी, इसलिए आई थी ना कि बच्चा खिलौनों से सीखता है। वो एक एक एक, एक थी लेगो हमारे जमाने में जो हम छोटे थे, आज भी है, आज भी है। अच्छा, वो लेगो क्या करती थी, वो बताती थी कि ये चीज कैसे बनानी है। एग्जैक्टली। और उसी में बच्चे की तालीम होती थी। अल्लामा इकबाल ने कहा ना, गला तो घोट दिया अहले मदरसा ने तेरा, कहाँ से आए सदा ला इलाहा इल्लल्लाह। तो बात यही है कि जो बच्चे की थिंकिंग है ना, क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं, वो हमारे इदारे रोक रहेंगे। लेट बी वेरी फ्रैंक विद यू, कोई अच्छा माने बुरा माने, वो स्कूल के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग खत्म कर रहे हैं, कह रहे हैं बस ये किताब पढ़ो। सही। यूनिवर्सिटी भी ये कर रही है कि बस ये किताब पढ़ो, इतना जीपीए लो बाहर निकलो। अच्छा, वो जीपीए तो ले लेता है, लेकिन जो बाहर निकलता है यूनिवर्सिटी से अपनी वो टोपी उछाल के, प्रैक्टिकल लाइफ में जब आता है तो उसको वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर ही नहीं होते होंगे, क्योंकि उसने वहां वो चीजें पढ़ी नहीं होती है। हाँ। और अगर पढ़ी भी होती है तो कभी रटफ आए या बुक के ही कंटेंट तक महदूद रहकर उसने वो चीजें पढ़ी होती है और एक्सप्लोर नहीं किया होता। आपकी बात को मैंने आगे चलूंगा कि मेमोराइजेशन की एजुकेशन अब खत्म हो चुकी है। मुझे बताएं आपको क्या जरूरत है याद करने की, केटू की पहाड़ी की चोटी कितनी ऊंची है, आपको क्या जरूरत है। आप गूगल में सिर्फ पूछे उससे कि व्हाट इज द हाइट ऑफ K2, बता देगी आपको, सीरी बता देगी आपको। इसका मतलब ये हुआ कि जो मेमोराइजेशन की एजुकेशन थी वो पहली वाली एजुकेशन थी, अब वो खत्म हो चुकी है, खत्म हो गई। अब है एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, कि आपको वो तरीके आते हों कि आप इंफॉर्मेशन का ये जो ह्यूज वॉल्यूम है, नॉलेज इकोनॉमी कह रहे हैं आज तक, उस तक आपकी एक्सेस मौजूद। आप यकीन जाने जो आपका सवाल है उसका मैं सिर्फ जवाब दूंगा कि नौजवानों को सिर्फ ये सिखाएं कि आपने इंफॉर्मेशन तक पहुंचना कैसे हैगा, उनको पहुंचना हमारे से कहीं बेहतर आता है। अच्छा सर, जो आप बता रहे हैं ना उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगी। अभी हमने कुछ देर पहले गांव देहात के हवाले से भी बात की थी। अगर देखा जाए तो ये जितनी भी ऐप्स हैं, टिकटॉक हो गई, बाकी भी गो हो गया और भी मुख्तलिफ किस्म की, उनमें अगर हम नॉर्मली देखें तो मोस्टली जो कंटेंडर्स होते हैं वो गाँव देहात से होते हैं। तो एक तरह से उन तक ये डिजिटल मीडिया पहुँच चुका है, तो अब ये इनको पॉजिटिव वे में किस तरह से लेकर आया जाए, या उनको ये कैसे बताया जाए कि इसका यूजेज जो है आप एक अच्छे अंदाज में और एक बेटर अंदाज में करें जो आपको फ़ायदा आगे पहुंचा सके। बहुत अच्छी बात की आपने, जो चाकू है ना, चाकू जी, उससे आप किसी को कत्ल भी कर सकते हैं, और वही चाकू जो है वो जब सज्जन के हाथ में होता है तो वो किसी को सेहत भी देता है। ठीक है, एग्जैक्टली जो डिजिटल मीडिया है हमारा यही है। अगर ये किसी ऐसे आदमी के हाथ में चला जाए जो ट्रेंड नॉइस को इस्तेमाल करने के लिए, तो वो डैमेजिंग हो जाता है। अच्छा, ठीक है। अगर यही चला जाए कि सेंसिबल आदमी के पास, इसको हमने ट्रेंड किया हुआ हो, तो ये सोसाइटी के लिए मरहम बन जाता है। मैं अक्सर अपनी टॉक्स में मिसाल देता हूँ कि जो ये इंटरनेट डिजिटल मीडिया है ना, ये ऐसा है कि एक बहुत छत है, बहुत बड़ी ऊँची, उसकी छत पर खड़ा को बुरा कह रहा है आपको ना। अच्छा।
और ऊपर जाएगा सीढ़ी कोई नहीं है, अब क्या कर सकते हैं, वो बोल रहे हैं वो तो ना बस ही आप उसे देखते रहे देखते रहे वो बोल रहे हैं, बुरा कह रहे हैं आपको ना, इसलिए आप चुप कर जाए। तो मैं तो अक्सर सोचता हूँ कि सोशल मीडिया पे अपने आप को डिफेंड नहीं करना चाहिए, उससे आर्गुमेंट में ज़रा गर्मी आती है। जो आदमी किसी को बुरा कह रहा है ना वो उसे कहने दें, आप अच्छे काम करते रहे, बिल्कुल, तो थोड़े अरसे के बाद लोग आपकी बात सुनना शुरू कर देंगे, उसको बेवकूफ़ कहना शुरू कर देंगे। अगर आप अपने आप को उसके जवाब में फंसा लेंगे तो क्या होगा कि आप उसी के लेवल पे आ जाएंगे। ट्रू, उससे बचना चाहिए आपको। तो मैं ये समझता हूँ सोशल मीडिया जो है या डिजिटल मीडिया जो है, इसके अंदर आपके जो रिस्पॉन्स है ना टू ए सर्टेन सिचुएशन, वो बड़े ज़रूरी हैं। बिल्कुल, उसमें आप रिएक्टिव ना हो कि बस आपको किसी ने कहा कि अच्छा आदमी नहीं, आप शुरू हो गए। हाँ। नहीं, आपके कहते हैं क्या फर्क पड़ता है। मुझे बताएं, दुनिया में जितने भी बड़े लोग गुजरे हैं, हज़रत अली का कौल है कि जिसके मुखालफिन नहीं है वो राय हक पे नहीं है। हाँ। यानी राय हक पर लेकिन जरूरी है कि मुखालफिन भी हो आपके। सही, सही। तो अच्छा, बार दफ़ा मुखालफिन आपको तरक्की देने में मदद करते हैं क्योंकि वो आपके लिए एक वॉच डॉग होते हैं ना। बिल्कुल, जब वो आपको केयरफुल हो जाते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जितनी भी डेवलपमेंट काम है, अच्छे काम है, उसके लिए मुखालफिन का होना जरूरी है। बिल्कुल, क्योंकि वो आपको ट्रैक पे रखते हैं। बिल्कुल, बेसिकली इसका मतलब ये है कि राइट डिसीजन ऑन द राइट टाइम टुवर्ड्स द राइट पर्सन। राइट पर्सन, सही। बहुत बहुत शुक्रिया मार साहब, थैंक यू सो मच। एंड होपफुली कि जो भी आज हमने बातचीत की है और इस डिजिटल मीडिया और डिजिटल एरा के हवाले से हमारी यूथ को एक चीज़ समझाने की कोशिश की है, ये हमें समझ में आए और हम उसी फ्लो के साथ चले, ना कि हम किसी की दूसरे की प्रॉब्लम्स को जो है अपनाने की कोशिश करें और किसी दूसरे पे फोकस करें। फोकस आप अपने पे करें और आगे जो ज़माना आपको बता रहा है करने के लिए आप उन चीज़ों पे करें, तो इंशाल्लाह तरक्की ज़रूर करेंगे। इसी के साथ नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा।